बात करते हैं अलविश भाई की एक रिलेशनशिप की, ये वीडियो में है। जिंदगी नरक बन चुकी है, छोटी छोटी बातों पे शक करना, छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करना। ओ कैसी टॉक्सिक बातें कर रहा है यार, जहर खा के मरेगा, शेम ऑन यू। अबे मैं थोड़ी कहूंगा उसे दे दूंगा। वीडियो में अलविश भाई शादीशुदा होते हैं और उनकी बीवी उन पे शक करती है। चीज बताऊं, अगर मैं लड़की के चक्कर में फंस गया ना तो मुझे अपना आप छोड़ के जाए, गारंटी के साथ लिख ले वो बात ने। और मैं सोच रहा हूँ लड़की के चक्कर में ही फंसूंगा, अब किसी तरह तो छोड़ दे यार। लेकिन तू बंदी कौन सी सेट करेगा? अबे रिया यार, 3x। हां भाई, गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखी है। और भाई पैसे पूछे थे, सब सेट हो जाएगी, सूडो फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। बीवी को छोड़ना क्योंकि वो शक करती है, दूसरी लड़की को पटाना, उसके बाद दूसरी लड़की को छोड़ देना किसी तीसरी के लिए। लेकिन इतनी मगजमारी करके तेरे को मिलेगा क्या? अबे बबीता यार, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you... क्या भाई, लड़कियां हमेशा लड़कों पे चीट क्यों करती हैं? हफ्ता लव फॉर लाइफ ब्रो। लेकिन अगर मेरी बीवी जरा सी भी शक की होगी ना, मैं उसको किसी दूसरी औरत के लिए चीट कर दूंगा और फिर उसको भी चीट कर दूंगा किसी तीसरी औरत के लिए। फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं। जब लड़की चीट करे तो हमको तो हुक्का प्यार है, और जब लौंडा चीट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। 1 लाइक इक्वल्स टू 1 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भाइयों।